चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर देश के नामचीन पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि बात मेडल को गंगा में बहाने तक पहुंच गई है। इस पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो जाकर पुलिस की अदालत को दे और अदालत मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है। भारत ईरान के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करके अफगानिस्तान में अपनी नरम शक्ति को मजबूत कर रहा है। इससे एक बार पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया। यह बात निक्की एशिया की एक रिपोर्ट में कही गई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक प्रवक्ता ने हाल ही में सूचित किया है कि आगामी महीनों में अफगानिस्तान में 20,000 मीट्रिक टन गेहूं का भारतीय दान आने वाला है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन तेज करने के लिए ISI ने जैसे मोहम्मद की मदद से लाहौर में ड्रोन हब बनाया है, जिसमें बड़ी संख्या में चीन से मंगाए गए ड्रोन को रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हब की कमान जैस को सौंपी गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि चीनी पत्रकारों को भारत में अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद चीन पारस्परिक सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के तहत भारत के साथ संचार बनाए रखने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की है। BSF ने गुरुवार को रात करीब 2:30 बजे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंगूचक पोस्ट के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिरा। यह घुसपैठिया भारतीय सीमा की ओर लगातार बढ़ रहा था। BSF के बार बार रोकने के बाद भी वह नहीं रुका, जिसके बाद वहां पर तैनात BSF के सतर्क जवानों ने उस पर गोलियां चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। सब अभी भी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पड़ा हुआ है। मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल और महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को बिहार पुणे ट्रेन में अभियान चलाकर 59 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मानव तस्करी विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 5 को अदालत में पेश किया। अधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों को महाराष्ट्र के जलगांव और नासिक जिलों में क्रमशः भुसावर और मनमाड में दानापुर पुणे स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन से बचाया गया। दूध हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। यही वजह है कि बड़े बूढ़ों से लेकर डॉक्टर्स तक हर कोई दूध पीने की सलाह देते हैं। कैल्शियम से भरपूर दूध शरीर के संपूर्ण विकास के लिए काफी जरूरी होता है। दूध के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद डेयरी उद्योग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को लगातार दूसरा बड़ा झटका दिया है। सुक्कू सरकार के ऋण देने की सीमा को 5,500 करोड़ रुपए कम करने के बाद अब बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं यानी विदेशी बैंकों से ऋण लेने की सीमा को 7,000 करोड़ रुपए कर दिया है। यह सीमा नई परियोजनाओं में इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी। देश में अन्नदाता के लिए उत्पादों को बचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 500 से 2000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन और अधिकारिता को भी मंजूरी दी गई है। पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तारी को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की आज महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के घर तक पहुंच गई है। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के खत्म किए जाने के तरीके पर पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सचिन तेंदुलकर ने अब तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि वह भारत में अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मांग रहे और कहा है कि हमारी लड़ाई हमारी है। बता दें कि उन्होंने यह तब कहा जब कैलिफोर्निया स्थित विश्वविद्यालय में एक सभा को संबोधित करते समय राहुल गांधी से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगने पर उनकी राय के बारे में पूछा गया था। AIMIM पार्टी के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि PM मोदी देश की 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन PM मोदी ने पूजा हिंदू रीति रिवाजों से कराई है। हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस का क्या योगदान है और यह कितना जरूरी है, इसे कोरोना के दौरान हम सब ने अनुभव किया है। चाहे वह ऑक्सीमीटर हो, थर्मामीटर हो जैसे आम डिवाइस हो या MRI स्कैन जैसे मशीन, आंकड़ों के अनुसार हेल्थ केयर क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली लगभग 80% मशीनों का आयात किया जाता है। भविष्य में भारत में टेक सेक्टर में आत्मनिर्भर बने इस उद्देश्य से केंद्र सरकार नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी लेकर आई है। इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किए हैं।
भारत नेपाल को जोड़ने वाली जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया। नेपाल रेल प्रोजेक्ट के तहत अररिया के बथनाहा से नेपाल सीमा क्षेत्र में नेपाल कस्टम यार्ड तक 1 जून से मालवाहक ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह लगातार तीसरा साल है जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। अगले 2 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में $1,00,000 करोड़ का और इजाफा होगा। अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे पर भारत नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा दुनिया के अन्य देशों में भी मिल रहा है। यह बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्ड बेंडे ने इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कही है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख रेलवे ने अमृतसर कटिहार वाया दिल्ली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही अमृतसर समस्तीपुर अमृतसर के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वाया ब्यास जलंधर सिटी लुधियाना अम्बाला कैंट मुरादाबाद सीतापुर गोंडा बस्ती गोरखपुर छपरा हाजीपुर मुजफ्फरपुर चलेगी। इसके अलावा रेलवे ने उज्जैनी एक्सप्रेस को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक विस्तार दे दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भूस्खलन के बाद एक महत्वपूर्ण सड़क बह गई। इसकी वजह से कम 300 यात्री फंस गए। लखनपुर के पास धारचूला से 45 किलोमीटर लिपू लेख तावा घाट सड़क पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद 100 मीटर सड़क बह जाने के बाद यात्री धारचूला और गुंजी में फंस गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया प्रदेश की कमान संभालते एक्शन मूड में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अब राज्य के वकीलों से वादा किया है कि वो जल्द ही राज्य में अधिवक्ता संरचना अधिनियम लागू करेंगे। गुरुवार को सीएम ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार अधिवक्ता संरचना अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो जल्द इस एक्ट को लागू करेगी। अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द आज ही इस काम को निपटा ले। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 30 जून 2023 तक का वक्त दिया है। अगर आप इतने वक्त में इस काम को पूरा नहीं करते तो आपके पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। राहुल ने आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा, मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में मुंबई के सिवरी से नवा सेवा तक एक पुल की आधारशिला रखी थी। इसकी कुल लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना नाम दिया गया है, जो पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब तक इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। इस पुल के बनने के बाद अगर आप मुंबई से नवी मुंबई जाना चाहते तो आपकी यात्रा समय 60 मिनट से घटकर मात्र 16 मिनट रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नया संसद भवन देश को समर्पित कर दिया। हालांकि अभी संसद में भवन में कुछ अभी काम बाकी है और उसे पूरा किया जा रहा है। इस नए संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए काफी जगह है। ये 2 फ्लोर में होगा। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए भी अलग से ऑफिस बनाया गया है। सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए अलग कमरे होंगे। इसमें अभी काम चल रहा है। आज से जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और हर महीने की तरह ये महीना भी कई बड़े बदलाव लेकर सामने आया है। 1 जून 2023 से लागू होने वाले इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर होने वाला है, जहां एक और गैस वितरण कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर कटौती की है। तो वही दूसरी ओर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर महंगे हो गए हैं। बीते 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया। देश के तमाम बैंकों में इनकी वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में 500 रुपए के नोटों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। 2000 के नोटों को बदलने के लिए दी गई 30 सितंबर की मियाद पूरी होने से पहले ही केंद्रीय बैंक के सामने 500 रुपए के नोटों से जुड़ी ये मुश्किलें सामने आ गई है। रिपोर्ट की माने तो 500 के नकली नोट की घुसपैठ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2022-23 में 500 रुपए के करीब 91,110 नकली नोट पकड़े गए थे, जो 2021-22 के मुकाबले 14.6% अधिक है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ऐतिहासिक गलती से सबक लेते हुए अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच बिजली खाद समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रचंड का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण है। प्रचंड के भारत दौरे से ठीक पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौड्याल ने देश के नागरिक कानून में विवादित संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन से अब अगर कोई विदेशी महिला नेपाली नागरिक से शादी करता है तो उसे राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे। नेपाल के इस कदम से जहां भारतीयों की भलाई होने जा रही है, वहीं चीन का आग बबूला होना तय माना जा रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है HK मल्होत्रा, अंशु प्रिया, संजय चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज विश्व दुग्ध दिवस है, दूध से बनी कौन सी चीज खाना आपको अधिक पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।